अरे तम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले भाई थे

ट करनी है और तुम्हें तो पबजी की कसम भाई तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे यहाँ पर सबसे पहले आपको एक प्लेट देखने के लिए मिलेगी वे प्लेट नहीं है ये एक टैब है और इसकी जो थिकनेस है वो काफी कम है भाई प्लस इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी कमाल का है तो यहाँ पर अभी इसे साइड रख देते हैं बाकी इसके अंदर आपको एस पेन देखने के लिए मिलेगा एंड अच्छी बात ये आपको अलग से बाय नहीं करना पड़ेगा तो यहाँ पर मजे आ गए बाकी इसके साथ आपको 15 वोट का चार्जर दिया गया एंड टाइप सी केबल देखने के लिए मिलती है तो ये हो गई बॉक्स कॉन्टेंट की बात अब सीधा चलते हैं यहाँ पर हम अपनी टैब पर तो टैब की जो थिकनेस है सबसे पहली बात जैसे आप इसे हाथ में होल्ड करोगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्लिम है बाय द वे यहाँ पर ये मेरा मिस्टिक ग्रे कलर है एंड ये हमारा मिस्टिक नेवी कलर है आपको कौन सा अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बाय द वे यहां पर जैसे आप इसे हाथ में होल्ड करोगे तो ये एक तो काफी ज्यादा स्लिम है इवन इसके एसपेन से भी ज्यादा स्लिम है दूसरी चीज इसमें आपको जो मेटल बिल्ड देखने के लिए मिलते हैं काफी ज्यादा अमेजिंग है और पीछे मैट फिनिश दी गई है तो ये होगी इसकी वेट वगैरह की बात अभी सीधा चलते हैं हाँ पर हम इसकी परफॉर्मेंस की तरफ और इस चीज को शेयर करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं मतलब काफी कम ऐसी चीज होती है सैमसंग की जिसके अंदर स्नैप का प्रोसेसर डाला हो तो यहां पर वो मसाला डाला गया है तो यहां पर आपको स्नैप ड्रैगन एट सिक्सटी प्लस देखने के लिए मिलता है एंड्रॉइड में बेस्ट टैबलेट अभी यही है मार्केट के अंदर लेवल और इसीलिए मैंने बाय किया था प्लस सैमसंग जब भी स्नैपड्रैगन के साथ कुछ चीज लाता है तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन और भी नेक्स्ट लेवल होती है तो यहां पर मैंने सीपी टेस्ट किया बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिली जीपी टेस्ट किया अभी तक मैंने जितने भी फोन यूज किए हैं सेम प्रोसेसर के साथ उसमें सबसे ज्यादा स्कोर देखने के लिए मिला प्लस यहां पर जो एवरेज एफ पी है वो भी ज्यादा देखने के लिए मिले तो यहां पर गेमिंग वाले लोन दो खुश हो जाओ बाकी हम टेस्ट करने वाले हैं आगे तो यहां पर हमने ऐप ओपनिंग वगैरह करी तो नॉर्मल ऐप तो खुली जाती है हर फोन वगैरह के अंदर बट यहां पर हैवी एप्लीकेशन भी विद इन सेकंड खुल जाती है तो यहां पर आपको खुल जा सेम नहीं बोलना बिल्कुल तेजी खुल जाता है बाकी यहाँ पर आपके भाई ने जैसे ही सबसे पहले एसफल्ट खेला क्योंकि हम यहाँ पर हैवी ड्राइवर बनने वाले हैं तो हमने एसफल्ट से स्टार्ट करा तो एसफल्ट ओपन करते एक तो एसफल्ट के अंदर काफ़ी सारे कलर्स होते हैं तो यहाँ से डिस्प्ले का टेस्ट भी हो जाता है तो इसकी डिस्प्ले आपको सुपर एमुलेट पैनल देखने के लिए मिलता है एंड ये काफी बड़ी डिस्प्ले है साइड साइड के जो बॉर्डर है ये भी इसीलिए दिए गए हैं ताकि एक्सीडेंटल टच ना देखने के लिए मिले और इसमें काफी कम है टू भी होनेस बाकी यहाँ पर जब मैंने इसके अंदर गेम खेला तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्मूथनेस है और ग्राफिक्स रेंडरिंग है वो कमाल की है प्लस यहाँ पर आप इसका बॉडी टेम्परेचर देख सकते हैं और यहां पर मैं एक बात बता दूं मैंने इसके अंदर सी भी खेला सी के अंदर एक तो मैक्सिमम सेटिंग्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि हमने एक्सपेक्ट की थी सैमसंग से कि भाई ये फ्लैगशिप के अंदर देगा तो यहाँ पर मिलती हैं दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ जब मैंने इसके अंदर खेलना स्टार्ट करा तो सबसे अच्छी बात यह कि जब आप इंटेंस गेमिंग करते हो तो यहां पर आपको हाई टच सैम्पलिंग रेट मिलते टू फोर्टी हड्स का जिसकी वजह से अगर आप थ्री खेल फिंगर खेलते हो या फोर फिंगर खेलते हो तो आपके लिए इंटेंस गेमिंग में बहुत ही फायदा देखने के लिए मिलने वाला है प्लस यहाँ पर एक भी फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिला एक तो इसकी डिस्प्ले कमाल की ऊपर से यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट के साथ हाई टच सैम्पलिंग रेट भी देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और सिर्फ यही नहीं जैसे मैंने बताया था थ्रोडलिंग भी देखने के लिए नहीं मिलती दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इसका बॉडी टेम्परेचर है वो भी भाई कुछ ही डिग्री सेल्सियस बढ़ा था आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में तो यहां पर ना तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है इसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस कमाल का देखने के लिए मिल रहा है प्लस यहां पर जब भी हम गेमिंग वगैरह करते हैं तो हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए तो यहां पर इसकी वाईफाई कनेक्टिविटी काफी कमाल की देखने के लिए मिल रही है बिल्कुल फ्लैगशिप वाली है तो यहां पर फ्लैगशिप से बिल्कुल भी कम आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का ही है तो यहां पर भाई अभी तक जितनी भी मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी कमाल की है प्लस जब भी आप गेमिंग करते हो ना तो आपको ऐसे स्पीकर चाहिए जो बिल्कुल दबे ना तो इसके अंदर आपको एक जी ट्यून क्वाड स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं सपोर्ट तो यहां पर मैं बोलूंगा नहीं गोलीबारी की आवाज सुनाने वाला तो सुनिए तो यहां पर हमने गोलियां बजा ली हैवी ड्राइविंग कर ली तो यहीं पर काम ख़त्म नहीं होता गेमिंग का आप इसका एक्सपीरियंस और भी बढ़ा सकते हैं बिल्कुल लैपटॉप वाला कर सकते हैं जी हाँ इसका अलग से आप कवर बाय कर लीजिए और ये मैग्नेटिक कवर है सिंपली ऐसे लगा सकते इसका हो इसका की भी अटैच हो जाता है सिंपली प्लस यहाँ पर जब आप इससे गेमिंग करोगे तो एसफल्ट जैसा गेम भी इसके अंदर एन जैसा लगता है भाई टू बी ऑनेस्ट और इसके अंदर बिल्कुल कमाल के ग्राफिक्स हैं और जब आप कीबोर्ड से खेलते हो तो मज़ा ही आ जाता है तो इससे अलग ही एक्सपीरियंस होता है बिल्कुल ऐसे नहीं लगेगा आप टैब के अंदर खेल रहे हो ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल लैपटॉप के अंदर खेल रहे हो और इसके जो ये की है ना इसके अंदर जो आपको ट्रैक पैड देखने के लिए मिलता है ये सारे जैस्टर इसको सपोर्ट करता है जो कि आपको लैपटॉप के अंदर देखने के लिए मिलते हैं प्लस इसके जो की बोर्ड्स की हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लिक की हैं और भाई बिल्कुल मस्त वाली हैं तो यहाँ पर इसका कंप्लीट पैक अगर आप बाय कर रहे हो तो भाई बहुत ही कमाल की चीज़ है क्योंकि ये लैपटॉप बन जाता है यहाँ पर आपके भाई ने लिया हुआ है तो बिल्कुल लैपटॉप वाली फील देने वाला है मेरा भाई <laughs> बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जब तक मैं ये कर लेता हूँ तो यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक नंबर है और बिल्ड भी मेरे को काफी कमाल की लगी लेकिन क्या ये सिर्फ गेमिंग वालों के लिए है तो नहीं अगर आप एक स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो भी आप इसे बाय कर सकते हैं सिंपल सा रीज़न है एक तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है दूसरी अगर आपको एस पेन वगैरह से काम है लाइक अगर आप स्केच वगैरह बनाते हो या आप नोट्स वगैरह बनाते हो तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है रीज़न है एक तो इसमें आपको लो लेटेंसी मिलती है सिर्फ नाइन एम की आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप एक पेन और पेपर के साथ कर सकते हो और इसके अंदर बिल्कुल भी लेटेंसी देखने के लिए नहीं मिलती और यही एक रीज़न है जिसलिए मैंने बाय किया था क्योंकि मैं यहाँ पर नोट्स बनाता हूँ और पेपर को बचाता हूँ तो आपका भाई आजकल इसी में नोट्स बना रहा है बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसके अंदर आपको एयर जेस्टर्स देखने के लिए मिलते हैं फुल सपोर्ट नोट सीरीज़ वाला मिलता है इसके अंदर एस पेन के साथ और यहाँ पर आप इसके स्क्रीन ले सकते हो बैक जा सकते हो तो एस पेन बहुत ही कमाल की चीज़ देखने के लिए मिली है बाकी मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो इसी टाइप के अंदर वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं या फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं जब भी मैंने इसे पर्सनली भी बाय किया था नेक्स्ट यहां पर मैं आपको बता दूं इसके कैमरास के बारे में तो इसके अंदर बैक में थर्टीन प्लस फाइव मेगा पिक्सल का कैमरा दिया गया है अब इसको जज मत करना किसी फ़ोन के कैमरे की तरह क्योंकि मैंने देखा है टैब के अंदर जो कैमराज होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं इवन अगर मैं अपने लैपटॉप की बात करूं मेरे लैपटॉप के अंदर भी कैमराज इतने अच्छे नहीं है जितने ठीक इसके देखने के लिए मिल जाते हैं इसमें फ्रंट में एट मेगा पिक्सल का कैमरा दिया गया है और आपको मैं यहाँ पर इमेज दिखा देता हूँ थोड़ी सी देखिए थोड़ा ये मत कहना पागल वाला लग रहा है भाई मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिटेल्स वगैरह भाई ठीक मिल रही है और सच बताऊं तो टैब का कैमरा आप इसलिए यूज करते हो ना ताकि आप वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सको तो यहाँ पर उसके लिए भाई बहुत ही अच्छा है इवन मेरे लैपटॉप से भी अच्छा है यहाँ पर कैमरा देखने के लिए मिलता है बाकी यहाँ पर बात करें इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है टेन थाउजेंड नाइनटी की बैटरी और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो टैब है फोर्टी फाइव वोट का सपोर्ट करता है लेकिन इसके साथ सिर्फ आपको पंद्रह वोट का चार्जर दिया है तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हाँ यार ट्वेंटी फाइव वोट का चार्जर तो मिलना चाहिए था बाकी इसका जो बैटरी बैकअप है वो चार से पांच घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम और इतनी बड़ी डिस्प्ले विद 120 ट्वेंटी हर्ट्स और ऊपर से यहाँ पर मैंने इसके अंदर दबा के नोट्स बनाए उसके बाद मेरे को चार से पांच घंटे का मिल रहा है तो मेरे हिसाब से इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी कमाल का है और अगर आप नेटफ्लिक्स एमेज़ॉन वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो भाई बहुत ही धमाकेदार चीज़ है अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है ये ऑप्टिकल वाला है नॉट अल्ट्रासोनिक बाकी इसके अंदर आपको नॉक सिक्योरिटी देखने के लिए मिलती है सिक्योर फोल्डर दिया गया है पूरी नोक सिक्योरिटी है और इसके अंदर एच पैनल दिया गया है मल्टीटास्किंग कर सकते हैं तीन विंडो खुल जाती है इसमें एट द सेम टाइम सैमसंग डेस्क दी गई है इसके अंदर आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो सैमसंग अपने फ्लैगशिप के अंदर देता है तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की आपको कितना अच्छा लगा ये टैब क्योंकि मेरा तो फेवरेट बन चुका है पर्सनली इसकी बिल्ड की बात करूं इसके एस पेन की बात करूं या बात करूं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की हर चीज में बहुत ही अच्छा टैब है अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको एक कैसा लगा और अगर आप इसे बाय करने की सोच रहे हैं तो अभी अगर आप बाय करते हैं तो आपको टेन थाउजेंड रुपीज तक का कैशबैक मिलेगा या आप अगर इनके ईयरबड्स बाय करते हैं तो उस पर सेवन थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर आप इनका कवर भी बाय करते हो की वाला तो इसमें आपको टेन थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जरूर एक बार चेकआउट करना सो दैट्स इट गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में तो जब तक के लिए जो मन में इसको करें डू वॉच यू हार्ट फील विद